क्या हुआ? क्या हुआ? 5 किलोमीटर से पैदल चला के ला रहे स्कूटी। क्या पैसा बर्बाद है? पैसा बर्बाद है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस 4 बज चुके हैं, अब जाके मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ इतनी लेट। यूजली मैं सुबह सुबह करता था, बट 4 बज चुके बिकॉज सुबह से ना दिमाग खराब होता था किसी भाई बात को लेके, मम्मी पापा से कंट्रोवर्सी भी होगी। तो हाँ, अभी फिलहाल पीयूष भी स्कूल से आ गया था 2 बजे। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं मार्केट, कुछ काम था इसको, कुछ ड्रेस इसकी लेनी थी और स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेनी थी इसको स्कूल के लिए, और एक बुक भी लेनी थी। तो सोचा थोड़ा व्लॉग कर लेता हूँ, लेकिन मन तो नहीं, लेकिन कर लेंगे, कोई बात नहीं, बाहर जाइए बता मूड ठीक हो जाए थोड़ा। और हम जा रहे हैं स्कूटी से, थोड़ा मोटर व्लॉग कर लेंगे। तो ये बस आई है हमारे सोसाइटी में और ये बच्चे उतरे मिलने के लिए। हाय, कौन सा स्कूल है? शिवालिक। हमारे सोसाइटी में जितने भी स्कूल की बस आती है ना, सारे मिलने आते हैं, अच्छा लगता है ना। हाय, बाय बाय। जितने भी स्कूल की बसेस आती है ना, सारे ऐसे हाई करते हैं बच्चे, इतना अच्छा लगता है ना। हम स्कूटी में इसलिए जा रहे हैं बिकॉज मेन मार्केट में जा रहे हैं तो वो पार्किंग मिलती नहीं है गाड़ी खड़ी करने की, तो स्कूटी की तो मिल, स्कूटी तो कहीं भी खड़ी कर देंगे, इसलिए स्कूटी में ही जा रहे हैं। चलो फिलहाल निकल पड़े हैं स्कूटी लेके। 3 चीज़ें लेनी है। पीयूष, पहले कौन सी शॉप पे जाना है? पहले ड्रेस लेने, वो तो मार्केट जाना पड़ गया, अदरवाइज़ मैं आज बिल्कुल भी व्लॉग करता ही नहीं, मेरा मन ही नहीं था। एक तो इतना खांसी जुकाम हो रहा है ना, मेरी आवाज़ भी डिफरेंट लग रही है आपको। तो गाइज मार्केट तो पहुँच चुके हैं, अब चलते हैं शॉप पे। ये रही शॉप, तो जाके लिया मैं पैसे दे दूँगा फिर उनको। यार मैं नहीं जा रहा अंदर, भीड़ हो रही है। तो पीयूष ने ड्रेस तो ले लिया, क्या है ये? टी शर्ट ली है क्या? अब बुक लेने जाना है? बुक, ठीक है, बढ़िया। अभी यू टर्न ले सकते हैं क्या यहाँ? ये देखो यहाँ पे कहीं पे पार्किंग नहीं है, तो गाड़ी साइड में लगानी पड़ती है ना, फिर दिक्कत होती है ट्रैफिक में, ट्रैफिक वैसे ही बहुत होता है यहाँ पे। यही है भाई, यहीं मिलेगी तेरी बुक। तो गाइस गलत जगह पे आ गए थे, यहाँ नहीं मिल रही, अब हमें कहीं और जाना पड़ेगा। यहाँ से यू टर्न लेने ना, ले सकते हैं ना पीयूषी? यहीं लेफ्ट में ही है, यहीं पे लेफ्ट में। ढूंढ 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 ढूंढ, ये रही, मिल गई 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 मिल गई। ये रही, ये रही। क्या हुआ, इधर भी नहीं है? ओ भाई, क्या कह रहे, कहाँ मिलेगी? मुखानी? चलो मुखानी चलते हैं भाई। भाई कितने चक्कर काट लिए अपन ने एक बुक के चक्कर में। क्या क्या बुक है भाई? वो कौन सी बुक लेनी है? इंग्लिश की है क्या? अब यहाँ से यू टर्न ले सकते हैं पीयूष, ले सकते हैं ना। ये देखो पुलिस वाले रिक्शों को हटा रहे हैं, हमारे तो गाड़ी को वैसे ही हटा देते। ये देखो रिक्शे वाले डर के भाग रहे हैं, ये देखो रिक्शे वाले डर के भाग रहे हैं पुलिस वालों से। हमको भी ऐसे ही भागना पड़ता अगर हम गाड़ी लेके आते तो। स्कूटी में तो मस्त चल रहे हैं भाई, क्या मज़ा आ रहा है। एक बुक की तलाश में निकले पड़े हम, बुक ही नहीं मिल रही है पीयूष की। एक्चुअली हम भी नए हैं ना इस शहर में, तो हमको पता नहीं है, हमने कभी बुक्स वगैरह की शॉपिंग करी नहीं है। हरियाणा में तो पता था कि कहाँ पे क्या मिलता है, हमने पूरा बचपन हमने पढ़ाई वहीं पे किया, तो हमको पता था कहाँ से कौन सी बुक मिलती है, बट यहाँ तो नहीं पता ना हमको, इसीलिए बस डिफरेंट डिफरेंट जगह जाके ढूंढ रहे हैं बुक्स को। धूम चाले गाइस, बुक शॉप मिल तो नहीं रही, अब गूगल करते हैं बुक शॉप। फिर यू टर्न, यार कितने यू टर्न दिलाएगा आज तू, बता दियो किधर मुड़ना है। ठीक है, इसी रोड पे है शॉप, किस नाम से है? मिलकी 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 मिल, फाइनली मिल गई, यहाँ मिल जाएगा। तो फाइनली गाइस बुक्स मिल चुकी हैं, तो ये बुक्स लेनी थी इसको इंग्लिश की, दो बुक्स ये हैं और ये पेन वगैरह लिया इसने बस। तो गाइस इतना घूमने फिरने के बाद फाइनली हमको बुक्स मिल गई है, बुक्स भी और ड्रेस भी मिल गई है। एक तो वैसे ही मूड खराब था, दोबारा मूड खराब हो गया, गोप्रो का एंगल ही खराब था अभी तक। अब देखो अब सही एंगल आ रहा होगा, पूरा वाइट दिख रहा होगा ना, ये भी दिख रहा होगा। अबे यार पोपट ही पोपट, अब फिर से यू टर्न। तो अब हमको जाना है किसी स्पोर्ट्स की शॉप पे, जहाँ पे हमको इसकी स्विमिंग कॉस्ट्यूम मिल जाए। अभी तक हम 4 शॉप्स पे जाके आ चुके हैं, अब 5वीं शॉप पे जा रहे हैं, लेकिन अब एंगल काफ़ी अच्छा आ रहा होगा, बिल्कुल वाइड सुपर व्यू ना, बट क्या करें पोपट ही पोपट हो रहा है, अब क्या करें, जिंदगी में पोपट ही लिखे हैं। अरे राइट साइड में है, अबे यार फिर से यू टर्न लेना पड़ेगा भाई, कितने यू टर्न ले लिया आज। ये मिल गई मिल गई मिल गई, ये रही स्पोर्ट्स की शॉप, यहाँ मिलेगा मस्त सामान स्पोर्ट्स का। पीछे और कुछ मिले? अरे कैरम बोर्ड ले सकते हैं, अपने पास कैरम बोर्ड नहीं है। चल देखते हैं अंदर जाके, देखते हैं स्कूल के लिए चाहिए इसको। हाँ, स्कूल में कौन सा स्कूल में? गुरुकुल में। यार इधर को आएगा ये, तो कुनाली का चेंज दिखा दूंगा मैं। तो अभी हम आए स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेने के लिए, स्विमिंग कैप से बाल बाल खराब नहीं होते। अच्छा बाल खराब नहीं होते। इट इज टू मच रेनिंग। हाँ रोबोट लग रहा है, ये दिखाओ। हेलो आई एम अंडर द वाटर, प्लीज हेल्प मी। कुछ दिख रहा है? और क्या सब दिख रहा है भाई, जलपरी बन जाऊंगा। ज्यादा हैवी लग रहा है भाई, मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है। यू वांट लेता हूं, इसमें कान वाला वो है ना, कान खुद ही रख देंगे। अच्छा कान भी ढक, और नाक बंद करने वाला होगा ना, चिमटे कि नाक बंद करने वाला। और क्या गाइस, पता नहीं क्या क्या ले रहा है, इसको पता होगा ना स्कूल में बच्चे लाते हैं। तो एक कच्छा लिया इसने, और एक गॉगल लिया इसने, और एक कैप लिया है, नाक बंद करने वाला भी ले रहा है कुछ। ये सॉल्व करके दिखाइयो भाई, इससे अच्छा मैं अपने स्कूल में मैथ पढ़ लूंगा, एक लेयर कर दूंगा। एक लेयर तो कोई भी कर देगा। तो भैया बता रहे हैं सबसे ज्यादा मुश्किल ये वाला है, ये देखो ये अलग ही है। तो हम सोच रहे हैं कैरम बोर्ड लेने की, बिकॉज खाली टाइम में खेलने के लिए सही रहता है ना, कैरम बोर्ड हमारे पास है भी नहीं, कभी था भी नहीं, तो सोच रहे हैं कैरम बोर्ड लेते हैं। बता पूछने की बात है, इसमें कैरम बोर्ड सही है, पूरी फैमिली भी साथ में खेल सकते हैं। सबसे बड़ा साइज है ये, फुल साइज आता है, सही लग रहा है। बड़ा साइज लेना है, ले लेते सब खेल लेते, ज्यादा मजा इसमें आता है, इसमें रिबाउंड अच्छा आता है।
जब शॉट मारते हैं उसमें जो रिटर्न आता है बेस्ट आता है इस चौड़े बॉर्डर में। ये पाउडर क्या मिलेगा, कौन सा पाउडर? पाउडर तो मेडिकल स्टोर से मिलेगा। आटा यूज नहीं कर सकते? नहीं, लेना कौन सा ही? वो तो देखो पाउडर डालेंगे, आटा डालेंगे, वो तो बात की बात है। लेना कौन सा है वो बता। आटा डालेंगे, रोटी डालेंगे, रोटी बनाएंगे, जो भी करेंगे। लेना लेना कौन सा है वो बता पहले। भाई लेने स्विमिंग कॉस्ट्यूम आए थे यहाँ पे, देखो क्या ले रहे हैं। तो भी हम सोच रहे हैं कि फुटबॉल भी ले लेते हैं क्योंकि हम पार्क में खेलते रहते हैं ना। अरे हाँ, कैरम की गोटियाँ भी देना। पत्थर से थोड़ी खेलोगे, गोटियाँ दे देना। तो गोटियाँ तो मिलेंगी, बास्केटबॉल भी ले ले। ये बैट भी सब ले ले भाई, पूरी दुकान ले ले। मैं मतलब घर में खेलने के लिए, घर में नहीं खेलते, घर में तो फूट जाएगा सब सामान। सब गार्डन वगैरह में, गार्डन में खेल सकते हैं ना। तो गोटियाँ भी मिल चुकी हैं, एक बोट ले ले, तैरने के बाद थक जाएगा तो फिर बोट में बैठ जाएगा। तो ये छोटा सा बैग लिया है पीयूष के लिए, इसमें अपना सारा स्विमिंग का और बाकी सारा सामान ले जाएगा। तो भाई सामान तो ले लिया है, अब चलते हैं। लेकिन एक दिक्कत हो गई है, वो कैरम बोर्ड ना बहुत भारी है। तो अच्छा हुआ मैं दिव्यांश को ले आया था। ये क्या दिखाना, कितना भारी है वो भाई, बहुत भारी है। अब क्या करेंगे, इसको कैसे लेके जाएंगे? कौन सी क्लास में आप भाई? मम्मी गुस्सा ना करे कहीं, ऐसे क्या देख रही थी भाई। तो फाइनली सारा सामान ले लिया, अब जा रहे हैं घर पे और एक्स्ट्रा ही ले लिया सामान। लाइफ में इतना सक्सेसफुल हो जाओ कि जो सामान ले जाओ उससे एक्स्ट्रा ही लेके आओ, मतलब फालतू खर्चा नहीं, मतलब वैसे कह रहा हूँ मैं, गलत वे मत लेना इसको। उसका सामान लेने गए थे मैं, थोड़ा सा वहाँ जानना था, कहाँ चलता है? कहाँ? यहाँ या दीवाल चौड़ा पंचायत घर से थोड़ी सब्जी ले आते। सब्जी लेने? हाँ। चलो क्या हुआ? क्या हुआ? 5 किलोमीटर से पैदल चला के ला रहे स्कूटी। क्या पैसा बर्बाद है? पैसा बर्बाद है, फुल गर्मी अलग पसीना अलग। फिर कैसे लाए उसको? पैदल चला के धक्का मार के, मैं पीछे धक्का मार रहा, वो आगे से चला रहे। वो तो पंचायत घर पे अभी एक भैया मिल गए, उन्होंने पैर लगा दिया स्कूटी पे। तो गाइस पीयूष का पोपट हो गया, पीयूष दूसरी स्कूटी में आ रहा था ना इलेक्ट्रिक में, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई होगी ना, चार्जिंग खत्म हो गई बेसिकली, तो ये पैदल आ रहे हैं चला के। तो ये दिक्कत होती है इलेक्ट्रिक स्कूटी में अगर चार्जिंग खत्म हो जाए ना। तो अभी गाइस फाइनली पीयूष की स्विमिंग कॉस्ट्यूम, बुक्स, यूनिफॉर्म सब कुछ आ चुका है, हम एक्स्ट्रा ही सामान लिया, कैरम बोर्ड, फुटबॉल वगैरह। अब इसको डांटनी पड़ेगी, इसको स्कूल में डांट पड़ रही थी कि तेरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं। तो हम फाइनली ले आए, तो ये टी शर्ट लेके आया पीयूष स्कूल के लिए, ओनली वेडनेसडे को डालनी होती है और रेड वाली ओनली सैटरडे को। चलो जल्दी आओ, पापा जी भी आ रहे हैं। वाह, एक सब्जी के लिए मम्मी भी जा रहे हैं, पापा जी भी जा रहे हैं। मैं तो कुछ फ्रूट्स लेके आऊंगा अपने रात के लिए, मेरे को लौकी चाहिए। लौकी 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 तोरिया और भिंडी, आलू ले घिया ले, गोभी, आलू गोभी। तो गाइस सब्जी ले लिए, फ्रूट ले लिए, क्या खाओगे? मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी। खा लेना, क्या खाओगे? नहीं, क्या खाएगा? मोमोज। मोमोज पापा जी, आप क्या खाओगे? मोमो। तो भैया इस फिलहाल घर पहुंच चुके हैं और फिलहाल चाउमीन खाते हैं, चाउमीन उन्होंने पैक ही करा ली थी। और ये देखो मम्मी अभी सबको दे रही है थोड़ी थोड़ी, कितनी मैं ही खा लूँ, लेकिन जो इसका टेस्ट होता है ना वो अलग ही होता है, 10 रुपये वाली जो चाउमीन होती है उसका टेस्ट। तो फिलहाल मोमोज भी आ चुके हैं, तो मम्मी सबको दे रही, दो दो मोमोज, दो दो मोमोज, दो दो ही मिलेंगे क्या? सबको दो दो मोमोज मिल रहे हैं। तो फाइनली गाइस कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है, मम्मी मुझे आइसक्रीम खिला रही है। देखो कंट्रोवर्सी क्या हो गया था? क्या हो गया था कंट्रोवर्सी? नहीं थी कब? सुबह शायल को पता ही नहीं, कंट्रोवर्सी होगी घर में पता ही नहीं शायल को। क्या हुआ था? खाली रह देगा, झूठ झूठ बोलो। और क्या? अच्छा क्या कंट्रोवर्सी होती थी? बता दूं, बता दूं क्या हुआ था? झूठ नहीं बोल, बता दूं क्या बताएगा? बता दूं गाइस को, बता दूं क्या हुआ था। तो गाइस बात ऐसी थी कि बड़ी मिले सोड़ को थप्पड़ आ जाते जाले से, थप्पड़ तो लगाई था और कुछ भी था, इतनी टेस्टी हो रही है। तो गाइस बता नहीं सकता मैं आपको, ठंडी भी नहीं हो रही। मम्मी स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके आया और क्या लेके आया देखो, दिखाइयो क्या लेके आया, दिखाइयो। ये क्या है? स्कूल में चाहिए इसको स्विमिंग करने के लिए, ताकि आंखों में पानी ना जाए। हेलो, आंखों में क्लोरीन ना जाए। इसमें नहीं जाता ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम है? हाँ, सिर में देखो, सिर में देखो, पानी नहीं लगेगा करके। हाँ, क्लोरीन से बाल खराब होते हैं ना। ये इतना छोटा छोटा है, फिलहाल मैं दूध पीता हूँ और इस व्लॉग को करता हूँ एंड। आज के ब्लॉग में कुछ ज्यादा था जितना भी मैंने आपको दिखा दिया, और चाची कुनाली तो थी, चाची अपनी मायके की कुनाली के साथ में, और चाची भी गांव चले गए, तो हाँ वो भी आ जाएंगे कुछ दिनों में। तो हाँ फिलहाल इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले ली, फुटबॉल ले ली, और एक स्विमिंग पूल ले लो, और फुटबॉल ग्राउंड भी ले लो।